आपने टाइटैनिक शिप के बारे में तो सुना ही होगा। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस शिप था। इसमें हर वो सुविधा मौजूद थी जो एक इंसान को चाहिए होती है। यह उस जमाने का सबसे सुरक्षित जहाज माना जाता था। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, और इसी बात को सच बनाने के लिए टाइटैनिक का पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को तय किया गया। यह सफर इंग्लैंड के साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क तक था। जहाज सेफ्टी फीचर समय इतना बेहतरीन था कि उसे समुद्र की लहर से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। इतना सेफ होने के बावजूद आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि इस जहाज समेत 1500 से ज्यादा लोगों की जल समाधि बन गई। आखिर कैसे डूबा टाइटैनिक जहाज? टाइटैनिक शिप की खासियत बहुत ही बेहतरीन थी। इस शिप की लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। यह शिप अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे महंगा शिप था। शिप को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। कंपनी का प्रेसिडेंट का दावा था कि यह शिप कभी न डूबने वाली शिप है। कंपनी ने शिप के ढेर एडवर्टाइजमेंट निकाले थे और सभी एडवर्टाइजमेंट पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, दिस शिप इज अनसिंकेबल, मतलब कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकती। कंपनी के दावे से पूरे मीडिया में एक्साइटमेंट थी। सभी जानना और देखना चाहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा कर पाएगा या नहीं। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो आज के समय $200 मिलियन यानी लगभग 15 अरब रुपए होता है। जहाज में हर तरह की लग्जरी फैसिलिटी मौजूद थी। जहाज में स्टर्नर ग्लास मिरर और नेटवुड पैनलिंग, 2 ग्रैंड स्टार केस भी बने थे। शिप के अंदर एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। शिप में एक स्विमिंग पूल, एक ट्रक, इस बात के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बात की फैसिलिटी भी थी। इस जहाज के अंदर हेल्थ के लिए अलग से हॉस्पिटल भी मौजूद था। जहाज 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने के लिए रवाना होता है। जहाज में एक से एक रईस, बिजनेसमैन, एक्टर्स, इमिग्रांट्स, मॉडल्स सवार थे। सभी जहाज के पहले सफर के लिए एक्साइटेड थे। यह सभी इंग्लैंड से अमेरिका जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। जहाज की कमान 62 वर्षीय कैप्टन एडवर्ड जो स्मिथ के हाथ में थी। इनको जहाज चलाने और उसे कंट्रोल करने का अच्छा खासा अनुभव था। टाइटैनिक का सफर अटलांटिक ओशियन से आगे बढ़ रहा था। ओशियन में टाइटैनिक का सामना बर्फ के पहाड़ों से होने की संभावना थी। सफर के मात्र 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलती है। यह मैसेज बताता है कि शिप के सामने बर्फ का पहाड़ आने वाला है। मैसेज मिलते ही कैप्टन स्मिथ जहाज का डायरेक्शन 2 बार बदलते हैं, लेकिन जहाज की स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करते। इस समय टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अब तक तो सफर ठीक चल रहा था, लेकिन फिर से 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को कैप्टन स्मिथ को लगातार 7 आइस वार्निंग सिग्नल मिलते हैं। कैप्टन इन सिग्नल्स को सीरियसली नहीं लेते, बल्कि इसे अनसुना कर देते हैं। यह कैप्टन की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जहाज के ऊपर क्रो नेस्ट बनाया जाता है। यह जहाज के सबसे ऊपर बनाया गया एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति बैठकर लगातार सामने से आ रही मुसीबत पर नजर रखता है। इस क्रो नेस्ट में 14 अप्रैल की रात को 11:29 पर फ्रेडरिक फ्रेट नाम का एक बंदा इस जगह पर बैठा था। वह आगे से आ रही सारी मुसीबतों की निगरानी कर रहा था। फ्रेडरिक फ्लैट अचानक से जहाज के सामने बर्फ के एक विशालकाय पहाड़ को आते देखता है। वह तुरंत ऊपर से 3 बार घंटी बजाकर नीचे बैठे लोगों को सतर्क करता है। फ्लैट तुरंत अफसर को फोन लगाता है और उन्हें बताता है कि हमारे सामने बर्फ का पहाड़ आने वाला है, जल्द ही जहाज मोड़ा जाए। इतना ही नहीं, फ्लैट चिल्लाकर सभी को सूचित करता है कि हम पहाड़ से टकराने वाले हैं। ऑफिसर विलियम मार्डोक ने फ्लैट का मैसेज सुना और उसे इंजन रूम के लिए ट्रांसफर किया। मार्डोक ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का आदेश दिया। इन सिग्नल के चक्कर में इतनी देर हो जाती है कि ठीक 1 मिनट बाद यानी कि 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ के एक विशालकाय पहाड़ से टकरा जाता है। आइसबर्ग इतना बड़ा था कि इसने पूरे टाइटैनिक को क्षतिग्रस्त कर दिया। टाइटैनिक के निचले हिस्से को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। एक रिसर्च के बाद इस विशालकाय आइसबर्ग को लगभग 1.5 मिलियन टन वजनीय बताई जाती है। इस घटना के तुरंत बाद अफसर एंड्रयू ने अपनी टीम के साथ यह देखने पहुंचे कि जहाज को कितना नुकसान पहुंचा। उन्होंने नुकसान का आकलन किया, तब उन्होंने पाया कि यह जहाज तो डूबने के कगार पर है। यह बात जानकर ऑफिसर एंड्रयू पूरी तरह से हैरान रह गए। दरअसल एंड्रयू ने पाया कि टाइटैनिक के डबल बॉटम यानी कि टाइटैनिक का निचला हिस्सा जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। टाइटैनिक का डबल बॉटम 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड था। इन सभी 16 कंपार्टमेंट में 4 कंपार्टमेंट में अगर पानी भर जाता है तब भी टाइटैनिक आसानी से पानी पर तैर सकता था। एंड्रयू ने पाया कि टाइटैनिक के 16 कंपार्टमेंट से 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और इस पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। टाइटैनिक की लिमिट थी सिर्फ 4 कंपार्टमेंट भर जाने की, लेकिन ऑलरेडी 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था। इसका मतलब यह था कि टाइटैनिक को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। यह सभी सूचना पाकर 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ ने अपने सभी क्रू मेंबर को आसपास के जहाजों को रेडियो सिग्नल भेजने का आर्डर दिया। क्रू मेंबर जैक्स फिलिप्स लगातार डिस्ट्रिक्ट सिग्नल भेजता गया, बार बार भेजता गया, लगातार प्रयास करता गया और उसका प्रयास सफल हो गया। सिर्फ 20 मिनट बाद उसका कॉन्टेक्ट कुछ दूर पर तैर RMS कार्पेंटियर नामक जहाज से हो गया। यह जहाज सिग्नल को तुरंत कैच कर लिया। टाइटैनिक का रेडियो ऑपरेटर RMS कार्पेंटियर के ऑपरेटर को सारी सूचना देता है और उन्हें तुरंत मदद
सबके लिए टाइटेनिक की तरह बुलाता है। टाइटेनिक के रेडियो ऑपरेटर की बात सुनकर उन पर विश्वास करके आरएमएस कार्पेंटिया के ऑपरेटर ने कैप्टन से बात की और कैप्टन अपने जहाज को टाइटेनिक के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी जान बचाने का फैसला करता है। प्रॉब्लम ये थी कि आरएमएस कार्पेंटिया और टाइटेनिक के बीच की दूरी 107 किलोमीटर से अधिक थी। अगर आरएमएस कार्पेंटिया अपनी कुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी भागता तो उसे टाइटेनिक के करीब पहुंचने में लगभग 3 या 3.5 घंटे का समय लगने वाला था। बस यही दूरी टाइटेनिक और उस पर मौजूद सभी लोगों का काल साबित हुई। समय को ध्यान में रखते हुए कैप्टन स्मिथ लोगों को बोट से रेस्क्यू करने का फैसला लिया और तुरंत एक लाइफ बोट को पानी में उतार दिया। जब पानी में पहले बोट को उतारे तो उनमें 68 लोगों को बैठने की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 लोगों ने बोट में बैठना ठीक समझा। इस जहाज में लगभग 80% पैसेंजर्स को यह डर अच्छा नहीं लगा। उनका मानना था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता, और माने क्यों ना, क्योंकि कंपनी ने बड़े बड़े दावे और विज्ञापन जो निकाल रखे थे उनकी वजह से लोगों में भ्रम फैल रखा था। बस इसी लापरवाही के चलते पहले बोट में लगभग 40 लोग कम सवार हुए। धीरे धीरे सभी कंपार्टमेंट में पानी भर रहा था। जब पानी लोगों शेल्टर में घुसने लगा तब उन्हें मालूम हुआ कि यह जहाज अब डूबने वाला है। इसी बात को जानकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग लाइफ बोट पर सवार होने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे से मारपीट करने लगे, लेकिन पैसेंजर्स में फर्स्ट प्रायोरिटी महिला और बच्चे को निकालने के लिए दी गई थी। इनमें से कुछ लोगों ने तो गुस्से में आकर एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। माहौल इतना बिगड़ गया उसे काबू करना किसी के बस में नहीं रहा। सभी को लाइफ बोट से निकल कर अपनी जान बचानी थी। टाइटेनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी। 20 लाइफ बोट में सिर्फ 1500 लोगों को निकाला जा सकता था, लेकिन टाइटेनिक पर सवा लोगों की संख्या 2200 थी। उसमें सभी का बचना लगभग असंभव था। सभी अफरा तफरी में कुछ लोग चुपके से लाइफ बोट में घुसने का प्लान बना रहे थे और कुछ लोग इस समय को अपना अंतिम समय समझ कर चुपचाप थे। कुछ लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, मैं तेरा शरण में आ रहा हूँ। रात के 10 बजे तक जहाज के अगले हिस्से में पूरी तरह से पानी भर चुका था और जहाज आगे से बेंड करने लगा। जहाज के झुकने से माहौल और बिगड़ गया। इससे अफरा तफरी के माहौल में धीरे धीरे यह न डूबने वाला टाइटेनिक करीब 2:20 AM पर दो टुकड़े में टूट गया और देखते ही देखते कुछ ही देर में 1000 लोग इनके साथ जल में समा गए। समय यह लोग पानी में गिरे उस समय पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। पानी इतना ठंडा था कि आधे लोग ठंड की वजह से मारे गए, बाकी लोग हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए। हाइपोथर्मिया ठंड से मरने को कहा जाता है। इस सभी घटना में एक अनोखी बात यह थी कि कैप्टन स्मिथ को कहा जाता है कि वह अपनी जगह पर ही अपने वेल को पकड़कर उसी के साथ पानी में डूब गए थे, लेकिन कुछ लोग इस बात को गलत बताते हैं। कुछ लोग को का मानना है कि कैप्टन स्मिथ ने गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। अंतिम में 3:30 में आरएमएस कार्पेंटिया टाइटेनिक जहाज के करीब आया और उसने लाइफ बोट में रात्रि की जान बचा ली और बचे कुछ लोगों को भी रेस्क्यू किया और 1500 लोग पानी में डूब कर मर गए। इस वीडियो को देखकर आप जान गए होंगे कि उस दिन हुआ क्या था, किस तरह से टाइटेनिक जहाज पानी में डूब गया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।